लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से जेल के अंदर पर मंथ 20 लाख रुपए की वसूली की जा रही थी। इस मामले को लेकर दो प्रहरियों को गिरफ्तार किया है। आपने भी देखा होगा कई जगह से ऐसी तस्वीर सामने आती है और आरोप भी लगते हैं कि जेल के अंदर तो पूरी सुख सुविधाएं मिलती हैं। अब ये सुख सुविधाएं कैसे मिलती है, ये सुख सुविधाएं जेल प्रशासन की नजरों में कैसे मिलती है और क्यों जेल प्रशासन सुख सुविधाएं मुहैया करवाने देता है और मुहैया कौन करवाता है, इस पर आपको बता दें कि जेल प्रशासन जो है उसी की देख रेख के अंदर उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है और कहीं ना कहीं इन चीजों में जेल प्रशासन का पूरी तरह से हस्तक्षेप होता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे राजस्थान के अजमेर जेल के अंदर बंद हैं, वो 20 लाख रुपए पर मंथ जेल प्रशासन को दिया करते थे और 20 लाख रुपए जेल प्रशासन को देकर और जेल प्रशासन से सुविधा लिया करते थे। अब कौन कौन सी वो सुविधाएं लेते थे, मोबाइल फोन भी, सीसीटीवी सही करने वाला अगर अपनी ड्रिल मशीन के अंदर छुपाना। आपको पता है कि सीसीटीवी से पूरी जेल की निगरानी रखी जाती है, लेकिन सीसीटीवी को सही करने वाला अपनी ड्रिल मशीन के अंदर ही अगर मोबाइल छुपा कर और अगर कैदियों को सौंपेगा तो वो कैदी हैं वो उन मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करेंगे। जेल प्रशासन की आंखों के सामने इस तरीके की घटना होती है। इसी मामले को लेकर दो जेल प्रहरियों को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मोबाइल को ड्रिल मशीन के अंदर पहुंचाया जाता है कैदियों के पास और कैदी उसी फोन का इस्तेमाल करके बाहर बिजनेसमैनों को धमकी देते हैं और फिरौती मांगते हैं। दरअसल ये एक रैकेट जो है वो जेल के अंदर से चलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जेल के अंदर जो कैदी हैं और जो बाहर की दुनिया है उसके बीच में जेल प्रशासन है, जेल की दीवारें हैं, जेल की दीवारों को कोई लांग कर नहीं आ सकता है और जेल के अंदर बिना जेल प्रशासन की मर्जी के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। तो इतनी बड़ी जो है घटनाएं कैसे देखने को मिलती है कि उनको सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है और उसके साथ साथ वहां पर मोबाइल भी पहुंच जाता है। उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके अभी कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन को धमकी मिली थी और फिरौती मांगी गई थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जेल के अंदर मोबाइल आखिर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, तो पता चला कि जो सीसीटीवी सही करने वाला है वो अपनी ड्रिल मशीन के अंदर मोबाइल छुपाता है, अंदर जाता है, अंदर जाके जेल के अंदर जो कैदी बंद है उनको मोबाइल सौंपता है और उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके जेल के अंदर बैठे जो कैदी हैं वो बाहर जो बैठे हैं बिजनेसमैन उनसे फिरौती मांगते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। लेकिन बिना जेल प्रशासन की मर्जी के ऐसा हो नहीं सकता, इसको लेकर दो प्रहरियों को भी जो है गिरफ्तार किया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं जिनसे प्रशासन जो जेल प्रशासन था वो हर महीने 20 लाख रुपए की वसूली करता था, ये वसूली करता था और इसी वसूली के नाम पर और 20 लाख रुपए जो उनको मिलते थे उसको मिल बांट कर वो सब लोग बांटते थे। कौन कौन उसमें शामिल था ये बड़े सवाल है और बड़े सवाल ये भी है कि अगर जेल के अंदर कैदियों से अगर वसूली की जाएगी और कैदियों से वसूली करके उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, उन्हें ऐसे उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे जिन उपकरणों का इस्तेमाल करके वो जेल के अंदर बैठकर बाहर कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, बाहर बैठे लोगों को वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, फिरौती मांग सकते हैं। अब इसको लेकर जो है वो जेल प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं वो सतर्क हुए हैं और इस मामले को लेकर प्रहरियों को जो है गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारी चीजों के खुलासे भी हो सकते हैं कि फोन पहुंचाने के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो उन गुर्गों के पास पहुंचाई जाती थी, कौन कौन सी सुरक्षा सुविधाएं जो है वो उनको मुहैया करवाई जाती थी। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि पूरा जेल प्रशासन इस पूरी घटना में लिप्त होगा, लेकिन कौन कौन लोग हैं जो इस घटना के अंदर लिप्त हैं, जो खुद सरकारी होकर जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वही सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो सरकारी तंत्र से लोगों का भरोसा उठना तय है। क्योंकि बाहर बैठे बिजनेसमैन को धमकी मिलती है और धमकी भी वही मोबाइल से मिलती है जो मोबाइल ड्रिल मशीन के अंदर छुपाकर सीसीटीवी सही करने वाला अंदर लेकर गया था। अब सीसीटीवी सही करने वाला ये मोबाइल अंदर लेकर गया था तो क्या इसमें जेल प्रशासन को इस बात का पता नहीं था, या फिर उनको पता था लेकिन जो 20 लाख रुपए उनसे वसूले जाते थे उसी के एवज में जो देखकर भी उस चीज की अनदेखी किया करते थे। अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा। और सिर्फ ये राजस्थान के अजमेर जेल का मामला नहीं है, पूरी जो देश है देश की जितनी भी जेल है उन सभी जेलों पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस तरीके से अजमेर जेल के अंदर ऐसा मामला चल रहा है तो कहीं क्या और जेलों के अंदर भी इस तरीके का सिस्टम है, और अगर और जेलों के अंदर भी इस तरीके का सिस्टम है तो क्या प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा, इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश करेगा और क्या इस पूरे मामले की जांच जो पड़ताल है वो जेल प्रशासन करता है, इस बात का इंतजार रहेगा। महेंद्र बांसोटा, लोकमत, हिंदी, जयपुर।